अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिया उमर, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अभी आज एक जो लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो सीईओ हैं मियां असलम साहब, उनकी एक वीडियो जो है वो एक शॉर्ट क्लिप बड़ा सर्कुलेट कर रहा है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि ईद के बाद लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर कौन सी जो है वो न्यू डील आने वाली है, कौन कौन सी चीजें जो है वो सोसाइटी लॉन्च कर रही है और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे इन फ्यूचर जो है वो सोसाइटी करने जा रही है। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो साथ बेल आइकन है इसको लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सके और आप लोग एक टाइमली अच्छा डिसीजन करके एक प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। तो अभी हम आते हैं उस इंटरव्यू के ऊपर जो मियां असलम साहब ने जो है वो दिया है, एक मतलब के बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, उनको उन्होंने प्राइवेट इंटरव्यू दिया था। उसके अंदर उन्होंने बताया कि ईद के बाद इन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई ईद के बाद जो है वो क्या डील जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी देने जा रहा है अपने क्लाइंट्स को, अपने डीलर्स को। तो उसके अंदर उन्होंने दो तीन चीजें जो है वो गिनवाई हैं। उन्होंने कहा है कि लाहौर के बाद जो है हम लोग विलास जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक चीज वाजे करें कि अभी तक उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हम लोग विलास लॉन्च कर रहे हैं, ये उसके अंदर कोई उन्होंने सेग्रीगेट नहीं किया उसको कि जो विलास बन चुके हैं हम वो दे रहे हैं या जो विलास सोसाइटी ने आगे नेक्स्ट बना के देने हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हम लोग वो लॉन्च कर रहे हैं। हो सकता है कि दोनों विलास जो है वो इकट्ठे लॉन्च कर दिए जाएं, जो ऑन ग्राउंड तैयार है उसकी कैश के ऊपर जो है वो प्राइसेस वगैरह हो और जो सोसाइटी ने अभी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बना के देने हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी बुकिंग करेगी वो 2 साल या 3 साल का टाइम पीरियड, वट एवर जो भी टाइम पीरियड सोसाइटी उसके अंदर डिसाइड करेगी वो मतलब के हो सकता है कि उसको लॉन्च किया जाए। लेकिन अभी तक जो है ना उन्होंने कोई क्लियर कट बात ये नहीं बताई थी कि हम कौन से वाले जो है वो विलास जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, वो क्या हम जो अभी बन चुके हैं उसको लॉन्च कर रहे हैं उसकी प्राइस देंगे या हम जो न्यू बनाने हैं उसको देंगे। तो सबसे पहले तो हो गया विलास, उन्होंने कहा कि हम विलास लॉन्च करेंगे। सेकंड जो चीज है, सेकंड डाउनटाउन लाहौर, डाउनटाउन जो इनका कमर्शियल का प्रोजेक्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारी एक हाई राइज बिल्डिंग है द पवेलियन के नाम से, हम अभी ईद के बाद जो है ना उसको स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली उसकी एक प्रॉपर डील आएगी जिसके अंदर उसके अगर वो कमर्शियल्स होंगे तो वो कमर्शियल्स के प्लॉट्स वगैरह आएंगे, अगर रेजिडेंशियल होंगे हाई राइज जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं तो अपार्टमेंट्स की जो है वो डील आएगी। तो दो चीजें ये हो गई। प्राइसेस का फिलहाल उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि प्राइसेस जो है ना वो हाई होंगी या प्राइसेस क्या होगी, मतलब कि क्या ये लेवल्स के ऊपर, लेवल के ऊपर आएगी, ऑन के ऊपर आएगी, या अभी तक इस तरह का कोई चीज जो है उन्होंने ये नहीं बताई उस इंटरव्यू के अंदर। और तीसरी चीज जो उन्होंने ये बताई है कि हम लोग कुछ प्लॉट्स जो है वो भी मार्केट के अंदर डील में देंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा थोड़ी सी हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन वाली ये कहती है कि जो प्लॉट्स हैं वो 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, क्योंकि अगर आप लोग इसका मैप देखें ओवरसीज 1 का और एग्जेक्टिव 1 का, तो इसके अंदर आपको जो है वो 2 कनाल की जो कटिंग है वो आपको मिलेगी। तो अभी तक 2 कनाल सोसाइटी ने कहीं पे लॉन्च नहीं किए, तो उन्होंने उस मैप के अंदर जो है उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट और सारी जगह वहां पे है, प्लॉट नंबर भी वहां पे लगे हुए हैं। तो जो हमें लग रहा है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो थोड़ा सा एक मार्केट एनालिसिस है, वो यही कहता है कि 2 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो सोसाइटी जो है ईद के बाद वो भी देने जा रही है। तो मतलब कि ये मतलब कि काफी अच्छी जो है वो एक डील होने वाली है और मतलब कि इस मार्केट के अंदर जो मतलब कि काफी पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी डाउन है, प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है सारा, तो ये जो डील है ये लाहौर स्मार्ट सिटी जो एक इसके जो फाइल्स हैं, इसके जो प्लॉट्स हैं, उसको एक बहुत अच्छा एक बूस्ट मिलेगा इस सारी डील के साथ। और जिस तरीके से पहले लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है अपना लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, और कुछ लोगों ने न्यू डील्स के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, कुछ ने पुरानी फाइलें जो हैं उनको किया, अभी तक लोग जो है ना वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उन सारे क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग न्यू डील के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। तो ऑब्वियसली ये लाहौर स्मार्ट सिटी जिस तरीके से अपने आप को जो है ये डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से चीजें मजीद बेहतर हो रही हैं, तो ये मतलब के इंडिकेटर है इस चीज का कि यहाँ पे प्लॉट्स की डिलीवरेंस जो है वो दी जाएगी, यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उनको अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। और उसके बाद इन फ्यूचर जो है ये जिस तरह से लाहौर के अंदर बहरिया टाउन और डीएचए है,
मतलब एक बहुत बड़े नाम है वो, तो उसी तरीके से जो है ये भी यहाँ पे लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जो है वो बनने जा रहा है इन फ्यूचर के अंदर। और यहाँ पे जो प्लॉट्स की प्राइसेस होंगी, अभी जो प्राइसेस हैं इससे 5 times या 6 times जो है ना वो इससे ज्यादा होंगी, जो कि अब प्राइस ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं चाहे वो फाइल्स हैं या वो कमर्शियल की प्राइसेस हैं, वो मतलब कि बहुत अच्छा एक रिटर्न जो है इन फ्यूचर क्लाइंट्स को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके साथ साथ जितनी भी सोसाइटीज हैं वहां पे भी अभी तक इतनी प्राइस नहीं है जितनी लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर है। वहां पे प्राइसेस अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर प्राइसेस बहुत ज्यादा मिनिमम है। ऑन ग्राउंड कमर्शियल की बात करें, रेजिडेंशियल की बात करें, तो अभी भी मतलब कि एक काफी अच्छा जो है वो एक जिसे कहते हैं कि गैप है जिसने फिल होना है, वो आज नहीं तो कल 1 साल 1.5 साल बाद या 2 साल बाद वो गैप फिल होगा ही होगा। तो मतलब कि आप लोग, हम लोग तो इस चीज को इनकरेज करते हैं कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी का और हाई प्रॉफिट रेशो है इसका, आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करें और एक बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट इन फ्यूचर अर्न कर लें। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की अपनी फाइल सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, ऑन ग्राउंड प्लॉट सेल परचेज के लिए, बेनिफिटेड प्लॉट्स हैं वो सेल परचेज के लिए, या हम आप लोग हमारे से कोई मशवरा देना चाहते हैं या कोई भी सोसाइटी की पॉलिसी आपको नहीं समझ आ रही पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे से किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।